जूडो कराटे का एक दिवसीय कार्यक्रम संपन्न। आत्मरक्षार्थ हेतु बच्चों का प्रदर्शन रहा अद्भुत। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बनवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। इस प्रोग्राम के जरिए आप लोगों तक क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रणाम नमस्कार। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उत्कर्ष सिंह राजा माननीय राजा भैया युद्ध ब्रिगेड के तत्वाधान में ये आयोजित है और ये खेल ताइक्वांडो का इसलिए आयोजन किया गया है जो गरीब जो असहाय जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाए इस कार्यक्रम के जरिए और जो लोग जो असहाय हैं उन लोग हम लोग से मदद लेकर आगे ताइक्वांडो में किसी भी खेल के संबंधित हम लोग से मदद ले सकते हैं। धन्यवाद। बोले बोलिएगा आज के प्रोग्राम के बारे में क्या उद्देश्य? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मीडिया प्रभारी को धन्यवाद जो आप हमारे प्रोग्राम में आए और सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आज ताइक्वांडो का प्रोग्राम रखा गया है। आने वाले भविष्य में जो युवा खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं आर्थिक मंदी के कारण जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उनको हम लोग मदद करेंगे आगे बढ़ने में। हम लोग माननीय राजा भैया यूथ ब्रिगेड के तत्वाधान में ये आयोजित कराए हैं और इसका एक ही मुख्य उद्देश्य है जो लोगों को हम लोग हर गरीब जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाएं। क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? पर्सन को सूचना मिली निमंत्रण मिला कि यहाँ आना है देखने के लिए तो खेल का तो बहुत सहलाद लेती है। हम लोग आए हैं यहाँ खेल अनुशासन से बंधा हुआ है और इसकी भी प्रतियोगिताएँ यहाँ से लेकर नेशनल इंटरनेशनल तक होती है तो हर बच्चों में अपनी अलग अलग खूबियाँ होती हैं। जो इसलाभ उठाना चाहते हैं विभाग ध्यान देंगे तो बच्चे काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है। धन्यवाद सर। कितने सालों से आप खेल जगत में जुड़े हुए हैं? हम लोग तो क्या सब पढ़े तब से जुड़े रहे और उसके बाद फिर हम 36 तक साल तक हम केयर में काम किया। अभी 16 साल बीत रहा है। हमें इंडिया का एथलेटिक अंपायर है नेशनल और मेन हम लोग का एथलेटिक्स है। उसके बाद क्रिकेट में का भी सेक्रेटरी हूँ। अन्य खेलों से भी हम लोग जुड़े हुए हैं। फुटबॉल से भी जुड़े हुए हैं। खेल की विद्या है और अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है इसलिए खेल में जो अनुशासन है चाहे उसकी पीटियाँ हैं चाहे कोई जो अपना उसका जो टेक्निक है सब मिलता जुलता है। सब सहोदर भाई की तरह है तो बचपन से हम लोग का अभी तक खेल के प्रति रुचि रही है और खेल के विकास के लिए हम लोग भी लगे हुए हैं। क्या उद्देश्य देना चाहते हैं आप अपने स्टूडेंट को और यहाँ के समाज के लोगों को? मैं सेल्फ सेहन पंकज कुमार सानी मैं पंजाब से आया हूँ। पहली बार आया हूँ और उद्देश्य मेरा यही है कि एक ऐसा गाँव से यहाँ भी खिलाड़ी पैदा हो रहे हैं तो आज का जो ग्रेडिंग जो बेल्टस रखा गया है उत्कर्ष जी के द्वारा रखा गया और मैं बहुत बहुत थैंक्स उत्कर्ष जी को जो कि यहाँ का बच्चों को बढ़ावा दे रहा है। और मैं भी एक छोटे गांव से आज मैं अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका जापान डेनमार्क यूरोप सारा कंट्री में खेला हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के बच्चे को मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाऊँ और इन सब का सपोर्ट आ तो निश्चय ही एक दिन हम सब यहाँ के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पहुँचाएंगे। थैंक यू।